हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए क्लास 12 का फिजिक्स और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 2 का और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने 21 क्वेश्चन कर दिए हैं और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 देखने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे टाइप करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय एस पी यादव, ठीक है। ठीक है, उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको आइए कीजिएगा। चलिए देखिए, ये आप लोग क्या करना है, पहले पॉज कीजिए इसको और खुद से टिक करना है। और मालूम है ना, पहला ये जो इससे पहले भी जो हमने 21 क्वेश्चन किया था और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लगभग उसका हमने 3 वीडियो बनाया है और 60 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो उसको भी ऐसे इसी प्रकार किए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको पॉज कीजिए और क्या करना है आप लोगों को मालूम है ना, इसको खुद से टिक करना है। चलिए, जो पढ़े हुए वो भी है, जो नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो चैप्टर 2 पढ़े हैं वो भी, नहीं पढ़े हैं वो भी स्टूडेंट को समझ में आएगा, टेंशन लेना। चलिए आइए, 22 क्या है क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलिए, ठीक है। क्या होता है मालूम है कि नहीं है, कमेंट कीजिए क्या होगा, देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए इसको। चलिए, तो क्या होगा, फराड, क्या बोलते हैं, फराड बोलिए या फैराड बोलिए, ठीक है। चलिए, ये क्या है, 1 माइक्रो फराड बराबर डैश फराड, यानी 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, सब मालूम है। बोलिए कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिए, इतना आसान क्वेश्चन इसीलिए दिया कि देखिए 24 में क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मालूम होना चाहिए, याद दिला देते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10^2 ना -6 माइक्रो फराड, 1 माइक्रो फराड इक्वल टू 10^-6 माइक्रो फराड, और ये होता है नैनो, ये होता है मिली, ये होता है पिको, मालूम है ना। चलिए आइए, अ स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 9 किलोमीटर होल्ड्स इट कैपेसिटेंस क्या है। तो स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका कैपेसिटेंस पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का, बोलिए, बोलिए, याद है, नहीं याद है, कोई याद है तो कमेंट कीजिए। 4πε0 आर, यार क्या होता है आर, मालूम है आर जो होता है रेडियस होता है स्फीयर का, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये 4πε0 का मान कितना होता है वैल्यू, 1/9 × 10^9, क्योंकि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और ये आर जो है, आर कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो इसको 9 किलोमीटर अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10^9 कितना जाएगा 9, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आ गया ना, ये 9 से ये 9 कैंसिल, ये 10^9 कितना 3 है, ये 9 ऊपर जाएगा 10^9 तो कितना जाएगा 10^-9 आ जाएगा 10^-6, तो ये 10^-6 क्या होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 माइक्रो फराड के बराबर होगा, 1 माइक्रो फराड, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए इसी प्रकार, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग होमवर्क में, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है, और क्या निकालना है कैपेसिटेंस का, अगर मालूम हो जाए निकाल लीजिएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन स्टूडेंट जो है, सबका नाम लेंगे जो कौन कौन स्टूडेंट सही बनाए हैं, ठीक है। और हम अगले वीडियो में इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, सो द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अर्थ इट इज कॉल्ड, अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोई भी प्लेट है ना, कैपेसिटर क्या, उसको हम क्या कर देते हैं अर्थ से कनेक्ट कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट, कोई दिक्कत। आइए, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू सीरीज, इस कैपेसिटर्स इज सी, यानी सभी कैपेसिटर की वैल्यू कितना है, सी है ना, और देखिए ध्यान से, देन इट्स कैपेसिटेंस इज, तब उसको, तब इसका कैपेसिटेंस जो इक्वी यहां पर हो सकता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मालूम है आपको, जब कैपेसिटेंस को हम किसमें सीरीज में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, इसका भी सी, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल के लिए तो C1, C2, C3, और इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट क्या जाएगा, 1/C C1, 1/C2, 1/C2 भी सी है और 1/C, यानी ये एलसीएम लेंगे तो सी, और 1/3, 3/C, यानी 1/C इक्विवेलेंट, कमेंट कीजिए, अभी भी कमेंट कीजिए क्या होगा, सो तो क्या आ जाएगा 3/C, यानी कि अगर सी इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या जाएगा C/3, देखिए तो C/3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं मालूम है, अगर हम बता देते हैं कौन कौन टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करना होगा कि ये कौन कौन होते हैं,
कितने टाइप्स होते हैं, तो थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं कमेंट कीजिए, हम बता रहे हैं कमेंट कीजिए। कौन कौन होता है, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं। चूज द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट देखिए, तो कूलम्ब पर वोल्ट किसका होता है, अभी जस्ट बताया कूलम्ब पर वोल्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक क्या कैपेसिटेंस। चलिए कैपेसिटेंस लिखिए, आगे आए देखिए कूलम्ब पर वोल्ट है, ठीक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आगे देखा जाए थोड़ा, अब किसका लिखे, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंसी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला इधर सबको मालूम होगा, हम क्यों बता रहे हैं, ये देखिए डायमेंशन, यहाँ हमने ये बता दें, ये सवाल आधारित था ना इस पर, और ये देखिए ये हम लोग अब इसका डायमेंशन निकालेंगे कैपेसिटेंस का, तो इससे ही समझ सकते हैं क्यू बाई वी, यानी कि सी बराबर क्यू बाई वी, मालूम है कि नहीं, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। चलिए तो इसको क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसका बताइए क्या होगा, बताइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए ए बी सी क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी, हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो क्या है, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, सी बराबर क्यू बाई वी, तो ये क्यू बाई वी, वी क्या होता है, सी बाई क्यू लिख सकते हैं, वी जो होता है डब्ल्यू बाई क्यू, वी जो हम पढ़े थे इसे डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं, ये क्यू को पढ़ो तो गुना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू ना, क्यू क्या होता है, क्यू चार्ज, क्यू क्या होता है चार्ज, इसका डायमेंशन क्या होता है एटी, तो एटी का स्क्वायर हो जाएगा, अब आई में डब्ल्यू क्या होता है एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एटी तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा फोर्स का एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू डी डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या हो जाएगा आपका एल एम एल स्क्वायर और टी के पावर माइनस टू, तो देखा जाए एम अगर ऊपर जाएगा तो माइनस एम हो जाएगा, और ई एल 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 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू हो जाएगा ना, और ये आपका पहले क्या लिखा था, डायमेंशन में लिखते थे एम एल टी के टर्म में लिखते हैं एम एल टी, अब टी वाला लिखा गया तो टी के पावर टू है, ये नीचे से पहला माइनस जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो टी के पावर आपका हो जाएगा फोर, और ई क्या है और कुछ है, और ए के पावर स्क्वायर, यहाँ ये है ए के पावर स्क्वायर, और देखिए इसमें कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन ऑप्शन एम वन एम टी माइनस इन ई, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ठीक है ये दोनों सेम ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है ये बताइएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन दोनों सेम लिखा गया है, ये आपका आंसर सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया था, ठीक है आइए देखिए अगला क्वेश्चन 31 क्या है, वो आप लोग नहीं लगाए हैं ना भाई, इसमें जब कोई नहीं होगा तो नहीं लगाए होंगे ना, ठीक है चलिए, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग कैपेसिटर, हम लोग कैपेसिटर को यूज क्यों करते हैं, क्या करने के लिए, टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर एनर्जी ना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है या दोनों को, तो दोनों को, ये दोनों काम, स्टोर चार्ज को भी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, और एनर्जी को भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए, तो बहुत आंसर लगाइए, ठीक है आइए अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप्ड बाय अ कैपेसिटर, हम लोग किसको रोकने के लिए, मतलब किसको रोकने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं ना, या कैपेसिटर के द्वारा बाय लिखा हुआ, कैपेसिटर के द्वारा हम लोग किसको रोकते हैं, इनमें से किसको रोकते हैं, किसको रोकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को या डायरेक्ट करंट को, डायरेक्ट करंट को रोकते हैं ना, देखिए यहाँ पे फिगर हम बनाए थे ना, ना डायरेक्ट करंट को रोकने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है भाई, बताएंगे थोड़ा आप लोग, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए ए बी सी, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए, क्या होगा कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होगा, ये कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होगा बताएंगे थोड़ा आप लोग, हम बताते हैं जीरो, क्या होगा जीरो, किस कितने लोगों को जीरो सही हुआ, चलिए क्यों जीरो होता है मालूम है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव दोनों समेट समाट खत्म कर लेता है, ठीक है आगे देखा जाए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द एनर्जी स्टोरेज इन अ कैपेसिटर, ठीक है तो देखिए
देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले पॉज कीजिए, इसको पहले टिक कीजिए खुद से, ठीक है। टिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, मिलाइएगा क्या है आंसर, ठीक है। आपका मेरा मिल रहा है सेम है कि नहीं, साथ साथ चलिए देखिए क्या पहला का आंसर। व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्रिक ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो ये क्या होगा, स्फेरिकली सिलिंड्रिकली पैरेलल या नॉन, बताइए। कोई नहीं, अब देखिए क्या होगा इसका, पॉइंट चार्ज का बताना है, तो पॉइंट चार्ज कैसा होता है, पॉइंट यानी कि क्या होगा स्फेरिकली, ट्रिक है याद करने का, ये भी हो सकता है क्या स्फेरिकल, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया ना, चलिए अगला क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्रिक ऑफ अ डाइपोल पोटेंशियल, डाइपोल पोटेंशियल आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। एबीसी क्या होगा, स्फेरिकल होगा कि सिलिंड्रिकल होगा कि कोनिकल होगा, क्या होगा, तो डाइपोल कैसा होता है भाई, ऐसा ना होता है एक जगह माइनस क्यू एक जगह प्लस क्यू होता है, बीच में सेंटर होता है, यहां से यहां का भी, तो ये सिलेंड्रिकल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल। चलिए आगे देखा जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर का फॉर्मूला बताइए, तो कैसा होगा सो, क्या होगा सो, इसका कितना फॉर्मूला होता है, यू बराबर क्या होता है बोलिए, क्यू स्क्वायर बाय टू सी होता ही होता है, U बराबर दिख रहा है, एक मिनट यहाँ देखते हैं, U बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसमें है कोई नहीं है क्या, नहीं होगा, होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करने का शुरू करेंगे, तो Q को हम अगर सी में चेंज करते हैं, U बराबर Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, क्या होता है, C इंटू वी होता है कि नहीं होता है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सी भी लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, बाय बाय टू सी होगा ना, ये वो सी से वो सी कैन सी आ? क्या होगा, तो ये क्या हुआ, एक बटा दू अस्सी भी स्क्वायर है कोई, देखिए मिल गया, एक बटा टू हाफ सी भी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर, एक और होता है, ये भी याद कर लीजिए, क्यू स्क्वायर टू सी हाफ सी भी स्क्वायर, एक और अभी तो क्यू का वैल्यू पुट किए थे, अब देखिए सी का वैल्यू पुट करें, सी का वैल्यू आइए, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू इंटू सी, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय भी, क्यू बाय भी, भी ऊपर से जाएगा, बाय भी, क्यू बाय भी, तो भी को ऊपर ना भेज देंगे, हो तो क्या हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो आ गया क्यू भी हाफ क्यू भी, तो ये भी हो जाएगा यू बराबर हाफ क्यू भी, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखिए, हाफ क्यू भी हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, कोई दिक्कत, चलिए तो आइए देखा देखा जाए थोड़ा अगला नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इस पर हम सवाल भी किए थे, इससे पहले हमने इस पर सवाल भी किया है, ठीक है, शायद 9 या 10 नंबर क्वेश्चन में, इससे पहले, अब देखा जाए क्या है सो, अब इसका क्या होगा फॉर्मूला बताइए, क्या होगा बोलिए, कमेंट कीजिए, ए बी सी डी क्या होगा, ये देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बोला 4πε r, तो r का क्या होता है, r क्या है इसमें, रेडियस है, क्या है, क्योंकि स्फेरिकल है भाई, स्फेरिकल में रेडियस आना चाहिए ना, आइए देखा जाएगा अगला क्या, इफ थ्री कैपेसिटर्स अवेलेबल फॉर गेटिंग मैक्सिमम कैपेसिटेंस, तीन वो कैपेसिटर है गिवन है, हमको ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, बहुत ज्यादा मैक्सिमम चाहिए ना, दिस शुड बी कनेक्टेड, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, करंट जैसे फॉर्मूला याद है कि ना, कैपेसिटर का कैसे सीरीज में पैरेलल में सीरीज में, पहले कमेंट कीजिए खुद से, पैरेलल में या सीरीज में या बहुत दोनों में क्या होगा, पैरेलल या सीरीज में, तो फॉर्मूला याद है, जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, एक बाई सी इक्विवेलेंट बराबर एक बाई सी वन प्लस सी टू एक बाई सी टू ऐसा होता है, तो इसका कम होगा, और सी सीरीज में होता है तो सी इक्विवेलेंट का सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो क्या होगा इसमें पैरेलल में रखेंगे तो हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा कैपेसिटेंस का, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, समझ में आया कि नहीं, अरे भाई सीरीज में तो एक बड़ा सी इक्विवेलेंट एक बड़ा सी वन एक बड़ा सी टू एक बड़ा सी थ्री, इस प्रकार ना, टू मान लीजिए 2 माइक्रो फैराड है 3 माइक्रो फैराड है ना, तो शो करके देख लीजिए, और सीरीज में डायरेक्ट 2 और 3 का निकालिएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा 5 माइक्रो फैराड, और 2 और 3 का इसमें निकालिएगा तो बहुत कम आएगा क्या, तो ये क्या करेंगे हम लोग पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे, किसमें कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ज्यादा आएगा। चलिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर एडेड फर्स्ट इन सीरीज एंड अदर इन पैरेलल ऑर्डर, द रेशियो ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, देखा जाए थोड़ा ध्यान से, दो को कैपेसिटर है जिसका वैल्यू सेम है,
ठीक है। और पहले उसको क्या करना है, फर्स्ट जो है सीरीज में उसको जोड़ना है। पहले जो है उसको दो कैपेसिटर है, ठीक है ना, पहले उसको सीरीज में जोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या है, पहले सीरीज में है ना वो, उसके बाद है पैरेलल में, उसके बाद पैरेलल में, तो पैरेलल में भी जोड़ना था। नीचे कहां देखा, इसको मिटा दे क्योंकि तो आप लोग लिए हुए हैं। देखिए पैरेलल में कैसे हो, इसी ना होगा वो, ये पैरेलल में हो गया। फिर लीजिए इसका, यहाँ पर तो बैटरी कनेक्ट रहता है, बैटरी कनेक्ट रहता है, यहाँ पे होता है कि होता है, बैटरी कनेक्ट होता है, लेकिन पैरेलल में हो गया। अब यहाँ भी सी दोनों सेम है, तो सीरीज में क्या होगा, और बताया था सीरीज के लिए फॉर्मूला, जितने भी कैपेसिटेंस है उसको ऊपर रख दीजिए, बाद में कितने उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, इच टू, यानी कि बाटा में रखेंगे क्या। और ये सीरीज के लिए सी और सी, पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए सीरीज और सी और सी क्या होता है, टू सी, डाटा क्या हो जाएगा, टू सी, सी और सी दोनों को जोड़ेंगे टू सी, इसको तो वन बाय सी ना, तो नीचे हो जाएगा, नीचे आता है आपका C और ऊपर आता है टू, तो उसको कनेक्ट करेंगे। आप आइए बता देते हैं, देखिए वन बाय सी प्लस वन बाय सी, ऐसे मिलेंगे तो C, तो वन वन टू, तो इसको ये वन बाय सी बराबर ना होता है, तो C को ऊपर ले जाएंगे तो टू सी ना ऊपर चला जाएगा, तो C बाय टू हो गया सीरीज का, ये टू सी हो गया किसका, पैरल का। आप देखा जाए, अब देखा जाए तो सी बाय टू भागा टू सी, भाग को गुना बदल लेंगे तो वन बाय टू सी, वन बाय टू सी, सी से सी कैंसिल, यानी वन बाय टू टू या फोर, यानी वन वन इज टू पावर वन इज टू क्या, फोर आ गया आपका। तो देखिए तो कोई है, हाँ है आपका वन इज टू फोर, कोई दिक्कत, आंसर था आप लोगों का इतना था, चलिए रहा होगा। देखा जाए अगला, देखा जाए अगला, देखा जाए क्या है, अगला देखा जाए क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है इसका थ्योरी, ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करके आप लोगों को बता देते हैं इसका। आप लोग पहले कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए सी बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस, कैसे है सो भी आपको क्लियर करके बता देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस वन फैराड, यानी वन फैराड का इसको, चलिए तो हम उधर थोड़ा मिटाते हैं इसको, पहले इसका आंसर बताइए, पहले इसका आंसर क्या होगा, सो इसका आंसर बताया जाए क्या होगा, देखिए हम उधर मिटा के थोड़ा बनाते हैं, ये आप ले लीजिए इसको, पॉज कीजिए इसको मिटाते हैं, इसको बनाने के लिए सीधे आंसर मारेंगे तो फिर दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, सीधे आंसर मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखा जाए क्या होता है, देखिए ये क्या बताना है, इसका स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर था 4πε0r, ये अभी लिखे है ना, जस्ट अभी तुरंत लिखे है, तो क्या दिया, वन फैराड दिया है इसका, तो वन दिया हुआ आंसर, तो ये 4πε0r, r का वैल्यू निकालना है भाई, r का मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 ये गुना में जा के भाग में 4πε0 ये ना होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10^12, बोलिए बोलिए 9 न्यूटन मीटर से पकड़ो सर, देखिए था कोई आंसर, इसका मीटर में है ये, इस मीटर में निकालना होगा, मीटर में रेडियस मीटर में होता है, आइए मीटर में है ये तो है, लेकिन मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी आप लोग का आंसर, सी आप लोग का आंसर है, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इतना मीटर में है, मीटर और किलोमीटर बदलेंगे तो कितना 10^3 से डिवाइड कर देंगे, मीटर और किलोमीटर बदलने के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा कितना, 10^6 हो जाएगा किलोमीटर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखा जाए थोड़ा, ये देखिए थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है, क्या है पैरेलल प्लेट होता है ना, तो देखिए ये पैरेलल प्लेट है, आप लोगों का ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट पे एक पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक पर होता है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों पर क्या होता है सिग्मा, ठीक है, एक पर निगेटिव और पॉजिटिव, सिग्मा क्या होता है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, माने ना, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग उसको इतना ला रहे हैं, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये पैरेलल प्लेट को थ्योरी पूछा जाता है, थ्योरी बताने के लिए, इसलिए हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ऐसे भी तो सबको हमने सिद्ध किया है, ठीक है, देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों पर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है, सिग्मा बाय 2ε0, यानी E1 इसको मान लेते हैं, इसको E2, E2 बराबर वही होता है सिग्मा बाय 2ε0, अब E नेट अगर निकाला जाए, E नेट ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ के देखा जाए 2πε0 प्लस सिग्मा बाय 2ε0 कितना हो जाएगा, ऐसे लेंगे तो 2ε0 हो जाएगा वो, और ये सिग्मा जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा 2 से 2 यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो याद होगा हमने ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है,
ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखा जाए और ये सिग्मा का वैल्यू इधर से तो है, देखिए सिग्मा का क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ये सिग्मा का जब बता सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत चार्ज अपॉन एरिया। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल्टा वी बराबर क्या है ई डॉट डी आर, अभी माइनस में E dot dr, तो हम यहाँ निकालना है क्या मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, माइनस उधर लिखेंगे ना E dot dr। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाला सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए थोड़ा स्लो करके देखिएगा ठीक है, और देखिए सिग्मा के वैल्यू हमने क्या डाला चार्ज अपॉन एरिया, क्या डाला चार्ज अपॉन एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट है ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, अब हमने हम क्या जानते हैं ये देखिए नाउ लिखेंगे, हम क्या जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर क्या होता है ई डॉट डी आर माइनस में, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस नहीं देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है क्यू बाई एप्स एरिया एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई डी आर, ये तो ई की वैल्यू होगी, डी आर जो डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डी। अब नाउ देखिए अब क्या हम लोग जानते हैं ना क्या क्या था क्यू बाय भी, क्यू बाय भी देखिए सी बराबर ये क्यू अब बाटा में भी, भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू क्या है देखिए क्या आया क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ना डी बाय ए ये एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कैंसिल यानी वन बाय ये पूरा आ गया ना, ये पूरा आ गया, इसको भाग को गुणा बदलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए ये पूरा क्यू था ना, क्यू से क्यू कट गया तो वन बाय ये पूरा आ गया डी बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, अभी इस भाग में है गुना बदलेंगे क्या जाएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय क्या ये डी आया कि ना यहाँ एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी, डी हो गया डिस्टेंस, ए हो गया एरिया एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम ठीक है समझे। अब देखा आपको दिक्कत समझ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको रिविजन कीजिए, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हम क्या करेंगे इससे आगे जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन और लाएंगे ठीक है और कराएंगे, और इसको पहले तो रिविजन कीजिए ठीक है, पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट।